नमस्कार दोस्तों डेली फाइव मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 22 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं क्वेश्चंस में दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ रैबी क्रॉप ऑन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट दोस्तों पोस्ट करके इस क्वेश्चन को पढ़िएगा देखेंगे आंसर क्या है आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा पोस्ट करके आंसर इज ऑप्शन डी टू एंड थ्री ओनली दोस्तों स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं देखिए पहले स्टेटमेंट वन जो गलत है कृषि मेक नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इज द नोडल एजेंसी विच रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एम दोस्तों वैसे एम एस पी रिकमेंड करने के लिए एक कमीशन है एक एग्रीकल्चर कमीशन है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा कृषि मेक जो है ये अलग है इसका काम दूसरा है स्टेटमेंट टू एंड थ्री सही है स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है एक से कम से कम पचास परसेंट ऊपर होना चाहिए जो एम एस पी गवर्नमेंट सेट करते हैं ये एम एस स्वामीनाथन स्वामीनाथन कमिटी द्वारा रिकमेंड किया था दोस्तों एम एस स्वामीनाथन नाम सुनते ही आपको एक चीज याद आना चाहिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट से इनका नाम रिलेटेड है वो क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए स्टेटमेंट नंबर थ्री नेचुरल रबर इज नॉट इंक्लूडेड इन द आइटम्स फॉर विच एम एस पीज नोटिफाइड बिल्कुल सही है नेचुरल रबर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है दोस्तों एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में अभी तक इसको नोटिफाई नहीं किया है उसके लिए बातें चल रहा है इनको भी एम एस पी में इंक्लूड कीजिए ये भी एक एग्रीकल्चर कॉप जैसा ट्रीट कीजिए ऐसा दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्राइस दैट इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आप सबको पता होगा एमएसपी क्या होता है एक सपोर्ट प्राइस है फार्मर्स के लिए इन प्राइस प्राइस में गवर्नमेंट चीज़ें खरीदते हैं फार्मर्स से दिस रेट एक्स आर सेफ गार्ड फॉर द फार्मर एसिड प्रोवाइड्स से मिनिमम प्रॉफिट फॉर द हार्वेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन बिल्कुल सही है मतलब कोई भी मार्केट कंडीशन हो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट बोलता है वो वी रेट में गवर्नमेंट फार्मर्स से लेता है इसलिए फार्मर्स को ज्यादा लॉस नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट होगा इन इंडिया ये कमिटी सेटअप अंडर द एम एस स्वामीनाथेंड सिक्स हार्ड रिकमेंडेड बी फिफ्टी परसेंट मोर दैन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइट एमएसपी फिक्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ध्यान रखिए इसके बारे में और रिसर्च कीजिए और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है पढ़ लीजिए

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द नोडल एजेंसी टू प्रोक्योर द क्रॉप्स ये भी इंपॉर्टेंट है पर यह एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है आपको याद रखना बहुत ईसी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एफ सी आई है वो हमारा नोडल एजेंसी है जो क्रॉप प्रोक्योर करते हैं जो स्टोर करते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते है नेचुरल रबर इज नॉट इंक्लूडेड इन द आइटम्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज नोटिफाइड स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रबर ग्रोवर्स हाउ अर्ज दस अंडर दैट नेचुरल रबर शुड गेट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कवर इनस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एक्ट दैट इज करन हास तो बातें चल रही है मैंने जैसे बताया आपको जो नेचुरल रबर की प्लांटेशन जो लगा रखे हैं बहुत है वैसे केरला में देखा जाएगा तो केरला सबसे लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वैसे ये भी बता दीजिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो केरला में एक कोटेम डिस्ट्रिक्ट है जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वही सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है केरला में वैसे केरला इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन आवर कंट्री तो ये जो रबर है ये क्या है ये अभी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है इसमें मिनिमम मिनिमल सपोर्ट प्राइस का वो टैग नहीं लगा अभी तक ठीक है अब कृषि मेग के बारे में कृषि मेघ इसे स्टेप टू स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ न्यू इंडिया ही सेट मतलब एक मिनिस्टर ने बोला इनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक हैव फंडेड नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट इज डिजाइन फॉर स्ट्रेंथनिंग द नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड मोर रिलेवेंट एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन तो ये एग्रीकल्चरल एजुकेशन से रिलेटेड है एक डिजिटल एग्रीकल्चर के रिलेटेड है राइट तो कृषि मेक और नेशनल एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के बीच में बहुत अंतर है ठीक है तो कृषि मेक दूसरा कुछ है और कमीशन दूसरा कुछ है तो हमारा स्टेटमेंट जो है

हिल्सा फिश क्या है दोस्तों हिल्सा फिश बांग्लादेश का नेशनल फिश है 2012 में बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था हिल्सा फ़िश के ऊपर हिल्सा फिश इंडिया में एक्सपोर्ट करने से बैन लगा दिया था दोस्तों क्यों लगा दिया था क्योंकि हिल्सा फ़िश जो है इसकी टेस्ट इसकी फ्लेवर इस सब की वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा था इसकी प्राइस भी ज़्यादा था इसी की वजह से प्राइस ज़्यादा होने की वजह से जो फिशिंग फार्मे से ज़्यादा फिशिंग करते थे हिल्सा फ़िश का और इसकी एक्सप्लोइटेशन होने लग गया और इन टेंट इसकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होने लग गया उसके और भी सारे रीजंस हैं मैंने उस वीडियो में बताया था और दुर्गा पूजा के टाइम पे जो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होता है उसके टाइम पे थोड़े से टाइम के लिए बांग्लादेश उफान को हटा देते हैं और एक्सपोर्ट करने देता है राइट ये न्यूज में आया था तो अभी हमारा आंसर क्या टू एंड थ्री ओड लिया स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री सही है स्टेटमेंट टू क्या कह रहे हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस ज द एजेंसी विच इज वैलिडेटिंग द अंडर गोइंग फिश क्राइवैंक टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है एक नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स है ये जो फिशरीज डिपार्टमेंट में जितने भी फिश जेनेटिक रिसोर्स के बारे में पढ़ाई करता है और ऐसे जब टेक्नोलॉजी आता है फिश ब्रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए ठीक तो है तो यह सब ये नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स करते हैं ये आई का एक पार्ट है ठीक है आई के अंडर आता है आई क्या है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अब तीसरा स्टेटमेंट है पी एम एम एस वाई इज अ गवर्नमेंट स्कीम सो एंड सो तो पी एम एम एस वाई का फुल फॉर्म जानना जरूरी है नहीं तो आप स्टेटमेंट देख ही नहीं पाओगे ठीक है तो दोस्तों प्राइम जितने भी स्कीम है गवर्नमेंट स्कीम ये सारे अब्रीविएशन जटा मार लीजिए और इसकी बेसिक्स क्या है समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में करीब ट्वेंटी फाइव परसेंट क्वेश्चन आता है तो दोस्तों देखते हैं PMMSV क्या है इसे पहले समझते हैं ये जो क्रयो बैंक ये पढ़ लेना पोस्ट करके ये क्रे बैंक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं तो आपको क्रे बैंक टाइम देखो इसकी ब्रीडिंग इंप्रूव करने की बात कर रही है इसकी जो फिश की स्पर्म्स है ठीक है इसको कलेक्ट करके फिर बाद में ब्रीडिंग करने के लिए ठीक है ये क्रयो बैंक जो है जैसे स्पर्म बैंक है स्पर्म बैंक के बारे में आप सुना होगा स्पर्म को स्टोर करते हैं वैसे फिश का स्पर्म को भी स्टोर करेगा यह है क्रयो बैंक ठीक है फिर ब्रीडिंग में यूज करेगा इसकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए राइट कैन ब्रिंग ए रेवोल्यूशनरी चेंज इन द फिशरी सेक्टर फॉर द फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दिस वुड ऑल्सो बी इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी अमंग द फिश फार्मर्स तो बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है फिश फार्मर्स के लिए और अच्छा करना पीएमएम क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना तो यह मत्स्य लिखा है तो फिशरी से रिलेटेड हो गया हैज बी लॉन्च विद ए विशन टू डबल द फार्मर्स इनकम जो भी गवर्नमेंट स्कीम से सारे के ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है फार्मेस इनकम को डबल करना राइट right? ये तो लिखना ही आप ऑब्जेक्टिव पूछने से दिस स्कीम एड्रेसेस द गैप्स इन फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट क्वालिटी मॉडर्नाइजेशन सो एंड सॉ तो बेसिकली फिशरी सेक्टर में फिश फार्मर्स के लिए उनकी फिश प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी और नए टेक्नोलॉजी लाने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये जो फिशिंग एक फिशिंग इंडस्ट्री खोलने के लिए या एक फिशिंग फार्म खोलने के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ठीक है ये सब की बात करते हैं पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट इसकी मैनेजमेंट क्योंकि एक फिश फार्मिंग फार्म शुरू करना जोक नहीं है क्योंकि इसके लिए फ्रेश वाटर की जरूरत है इसके लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पौंड बनाना होता है नेट्स लगाना होता है ठीक है इसकी टेम्परेचर जो फिश फिश पौंड की टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन भी फिश के लाइफ को अफेक्ट करते हैं तो ये सब होता है हार्वस इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है एक फिश फार्म बनाने के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इसकी मैनेजमेंट क्वालिटी मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ वैल्यू चेन एंड का है. तो PMS, क्या है, समझ में आ गया आपको डायरेक्टली रिलेटेड है राइट क्वेश्चन नंबर थ्री विद रेस्पेक्ट टू द नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टू थाउजेंड एटीन कंसिडर स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट दोस्तों 2018 में एक नशा मुक्त भारत अभियान आया था अब लोकसभा में जो कंसर्न मिनिस्ट्री है इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है ये आपको बताऊंगा आप बताइए इसके आंसर क्या है स्टेटमेंट्स पढ़िए आराम से देख के आई होप आपने पढ़ लिया होगा पोस्ट करके द आंसर इज ऑप्शन सी टू एंड थ्री ओडली दोस्तों अगेन स्टेटमेंट वन गलत है नशा मुक्त अभियान हैज़ बीन लॉन्च बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बिल्कुल गलत है ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने राइट तो न्यूज क्या फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री रतन लाल कटारिया सेट इन लोकसभा नशा मुक्त भारत अभियान इन मोर दैन टू सेवेंटी टू डिस्ट्रिक्ट ठीक है मोर देन टू सेवेंटी टू डिस्ट्रिक्ट में ये कैंपेन जो है लॉन्च हो गया ये था अब हमारा स्टेटमेंट टू क्या है एज पर द रिपोर्ट ऑफ नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंड एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया थ्रू द नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर देखो दोस्तों ये जो अभियान के चलते ये एक सर्वे हुआ था पहला सर्वे हुआ था ऐसा नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंड एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया मतलब जितने भी ड्रग्स हैं ठीक है इसमें अल्कोहल भी इंक्लूड है अल्कोहल यूज़ करते हैं कोई कैनाबीज यूज़ कर रहा है गांजा यूज कर रहा है ये जितने भी गलत चीज़ें हैं नशा करने के लिए ये सब कौन कौन यूज़ करते हैं कितने स्टेट्स में कितने डिस्ट्रिक्ट में लोग यूज़ करते हैं कौन से एज लेवल के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसकी हेल्थ इफेक्ट्स क्या है ठीक है ये सब के बारे में एक सर्वे हुआ था सर्वे कंडक्ट करवाया कौन नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ने इसमें पता चल गया एल्कोहल इज़ द मोस्ट कॉमन साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज बाई इंडियज ठीक है इंडिया में जितने भी नशे वाली चीज़ें होती इसमें सबसे प्रोमिनेंट है अल्कोहल राइट तीसरा तो आपको पता ही होगा आर्टिकल 47 ये डायरेक्टिव क्या डीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है डीपीएसपी में आता है है आर्टिकल क्या कह रहा ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ ठीक है तो ये बिल्कुल सही है तो स्टेटमेंट टू भी सही है स्टेटमेंट वन गलत है ठीक है तो मैंने बता दिया आपको वैसे ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने न्यूज जो आया था स्कीम 2018 में लॉन्च हुआ था 2025 तक बंद होगा मिनिस्ट्री कंडक्टेड द फर्स्ट नेशनल सर्वे जो सर्वे होता पहला था ठीक है इसके साथ कौन कौन था सर्वे कंडक्ट कराने के लिए नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का पार्ट है ठीक है एज पर द रिपोर्ट एल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन साइको एक्टिव सब्सेंस यूज बाई द इंडियंस फॉलोड बाई कैनज एंड ओपियोड्स ये जो कैनबीज है एंड ओपियोड्स है ये दोनों ऐसा सब्सटेंस है जो नशा करते हैं राइट क्वेश्चन नंबर फोर कुछ दोस्तों, दोस्तों वेस्टर्न बोलने से आपको ये महाराष्ट्र एरिया में मैक्सिम मिल जाएगा महाराष्ट्र में जो मराठा कम्युनिटी है उनमें आता है ये, ये जो कनबी कैस्ट है दोस्तों मराठा रिजर्वेशन स्टेटस जो मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन के लिए न्यूज आजकल हर दिन आ रहा है न्यूज में कब कभी हाई कोर्ट का ऑर्डर का कभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का ठीक है जो एक्सिस्टिंग 50 परसेंट रिजर्वेशन है इसके अलावा अभी मराठा कम्युनिटीज को भी अलग सा रिजर्वेशन देना है करके इनका प्ली है तो देखते हैं कुंबी के बारे में कुंबी इज ऑल्सो नोन एस कुडुम्बी द ग्रेटर एग्रीकल्चर कैस्ट ऑफ मराठा कंट्री राइट कुंबी का मतलब है फार्मर ये कहां कहां है नागपुर चंदा भंडारा वर्दा नीमर एंड बीटल राइट अब कुछ अप्लाइड टू इंडिया दिस इंक्लूड दटोले हिंद्रे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक ये पढ़ लेना आप कम्युनिटीज आर लार्जली फाउंड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ठीक है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिलेगा पर मध्य प्रदेश गुजरात कर्नाटक केरला गोवा में स्मॉल नंबर्स में है कुंबी राइट अब कुबीस के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं मोस्ट ऑफ द मावाला सर्विंग इन द आर्मीज ऑफ मराठा एम्पेयर शिवाजी केम फ्रॉम दिस कम्युनिटी जो शिवाजी के मराठा एम्पेयर थे मराठा एम्बेयर में जो आर्मी में कुनबी कम्युनिटी से बहुत लोग थे द शिंडे एंड गयवाद डायनेस्टीज ऑफ मराठा एम्पेयर ओरिजिनली ऑफ कुंबी ओरिजिन एक हिस्टोरियन का कहना है कि जो शिंडे हैं और गेयकवाद डायनेस्टी है मराठा एम्बेयर का ये ओरिजिनली कुंबी ओरिजिन से थे करके तो काफी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस कैस का दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ एक हिस्टोरियन का कहना है कोई आर्टिकल से मैंने लिया है तो इन्होंने जो कुंपी ट्रेव है मतलब है दोस्तों मतलब जो लोअर कम्युनिटी के लोग हैं लोअर कैस्ट के लोग हैं पुराने टाइम पे जो अपर कम्युनिटी का रिचुअल्स प्रैक्टिस ये सब फॉलो करके अपने आप का लेवल थोड़ा ऊपर करते हैं ठीक है तो इसको सांस्क्रिटाइसेशन बोलते हैं ठीक है थीके? जो लोअर कैस्ट है अपर कैस्ट के रिचुअल्स फॉलो फॉलोइंग प्रैक्टिस वगैरह कॉपी करके ये लोग भी अपर कैस्ट माना जाता है इसको सांस्क्रिटिशेशन बोलते हैं

दोस्तों दैन सरीस ऑप्शन ये साइनो बैक्टीरिया दोस्तों बोट्सवाना एक लैंड कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उधर एक न्यूज आया था 300 से ज्यादा हाथी मर गए कंटामिनेटेड पानी पीने की वजह से वो पानी में साइनो बैक्टीरिया का प्रसंस था ठीक है बहुत साड न्यूज है दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊंगा इस तरह की कोई न्यूज आता है कोई और कंट्री में इंटरनेशनली भले ये सैड न्यूज़ है फिर भी यू प्रीलिम्स के लिए यह सब रिलेवेंट है ठीक है दोस्तों जब भी कोई एनवायरमेंट डिजास्टर कोई इंटरनेशनल कोई दूसरे कंट्रीज़ में होता है कोई एग्रीकल्चरल डिजीज़ होता है ठीक है कोई जोग्राफी से रिलेटेड ऐसा कुछ भी होता है यह सब अच्छे से पढ़ लेना कैसे क्वेश्चन पूछेगा पता नहीं ये तो मैंने डायरेक्टली पूछ लिया घुमा के भी पूछ सकते हैं और कुछ तरीके से राइट तो इसके बारे में आप बेसिक्स पढ़ने से आप आराम से वो आंसर लिख पाओगे सैनो तो बैक्टीरिया इसकी आंसर है एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं इस तरह का करीब तीन चार साल पहले श्रीलंका में कॉफी प्लांटेशन में एक लीव डिजीज हुआ था लीफ रोट ऐसा कुछ नाम था तो ऐसे आर्टिकल आया था और अगले यूपीसी प्रिंट्स में क्वेश्चन पूछ लिया कि श्रीलंकन कॉफी प्लांटेशन में ऐसा कौन सा डिजीज आया था ठीक है तो जो ये आर्टिकल पढ़ा था तो डायरेक्टली पूछा था तो आंसर लिख पाया तो इसलिए मैं बता रहा हूं इस तरह की जब भी कोई न्यूज आता है अच्छा सा पढ़ लेना

एक स्टेटमेंट ठीक है मतलब आपको कैसे पता चल गया ये नहीं है तो दोस्तों यही थे हमारे डेली फाइव क्वेश्चन फॉर फिल्म है आप लोगों को अच्छा लगा होगा आप लोगों की वैल्यूबल कमेंट्स और व्यूज बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू इस पीपीडी की पीडीएफ एस यूशल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दिया जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय